रूबी टिप्स एंड ट्रिक्स में आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो चलिए देखते हैं। आज हम इंस्टेंट खोया बनाएंगे। उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले किसी भी किस्म का आप ड्राई मिल्क ले लें, कोई भी हो, लेकिन फुल क्रीम होना चाहिए। और देसी घी हो गया। उसके अलावा दूध, वो कि हमें उसके लिए थोड़ी सी मिकदार चाहिए जितना हम इस्तेमाल करेंगे। और ये इलायचियाँ हैं जिसका हम सिर्फ पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास बना हुआ खोया पड़ा था, जो कि आप इस तरह से छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज कर सकते हैं और जब चाहें उसको ज़रूरत के मुताबिक निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, मैं आपके सामने अब खोया बनाती हूँ। हम 2 कप ड्राई मिल्क से ये खोया बनाएंगे। तो मैं पहले आपको चीज़ों की मात्रा बता देती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में ये लिया गया है। ये देखें, ये 1 कप और ये लेवल्ड 2 कप। ये हमारा 2 कप मिल्क हो गया। देसी घी डालेंगे। देसी घी जो है वो आपने 4 यानी 1 कप में 2 टेबलस्पून देसी घी जाएगा। 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 टेबलस्पून हमारा घी हो गया। अब जो दूध जाएगा वो 1 कप में आधा आधा कप दूध जाएगा। 1 कप अगर ड्राई मिल्क है तो उसमें आधा कप दूध। हमारे पास 2 कप ड्राई मिल्क है, इसलिए आधा कप ये और आधा कप दूसरे के लिए। ये हमारे पास 2 कप ड्राई मिल्क हो गया। और ये सब्ज इलायची, जो कार्डेमम भी जिसको कहते हैं, वो तकरीबन 2 से 3 पिंच है, वो हम डालेंगे एंड पीस में। सबसे पहले हम इसमें ये जो तकरीबन 1 कप दूध है वो हम डालेंगे। फिर ये घी डालेंगे। घी को आपस में मिक्स करेंगे। चीनी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जब खोया बना के रखती हूँ तो उसमें मैं चीनी नहीं डालती। ये देखें, जब घी मेल्ट हो जाएगा फिर आप इसमें ये 2 कप दूध जो हमने लिया था वो इसमें डाल दें। और उसमें ये मिक्स करना। ये हल्की आग पे है, तेज नहीं होना चाहिए। ये देखें, इसने किनारे छोड़ने शुरू कर दिए हैं। जो ही ये किनारे छोड़ने शुरू कर दें, आप आग को बंद कर दें। अब इस पे आके ये जो इलायची थी वो हम इसमें डाल देंगे। बस मेरा ख्याल है इसमें 1 से 1.5 मिनट लगा है,
और ये खोया तैयार हो गया है। अब ये आप जब आपको ज़रूरत हो किसी भी वक़्त किसी भी चीज़ में जब बनानी हो जिसमें खोया डलता है तो आप ये इसमें से उसके मुताबिक मिकदार लेके या जिस तरह से भी आपने पैकेट्स बना के फ्रीज़ किए होंगे वो थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें और फिर उसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मैं इसमें डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितना अच्छा दानेदार खोया तैयार हो गया है। अगर आप खाना चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। चलें खाते हैं। अब जब भी आप इस खोए को बनाएं तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से खोया बनाते हैं या अगर आपने इस तरह से खोया बनाया तो वो कैसा रहा, या कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें और इसमें ऐड करके इसको बेहतर बना सकते हैं, तो फिर मैं वो उस तरीके से भी आपको बना के बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।